बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक सिस्टम, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसको हमने बहुत डिटेल में उस पूरे सिस्टम को समझा भी था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, और उसके बाद हमने उसके मेथड्स पर भी एक एक करके बात की थी, फीफो, लीफो और एवरेज। अब हम उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं, जो कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लास्ट टाइम पहले ही बता चुका हूँ, अगेन उसको मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, फिर मैं उसके सॉल्यूशन पर आऊँगा। पीरियोडिक हो या परपीचुअल, ऑब्जेक्टिव एक ही था, और ऑब्जेक्टिव था कि इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट करना, ये ऑब्जेक्टिव था। बट फ़र्क ये है दोनों में, डिफरेंस ये आ रहा था कि परपीचुअल एनी टाइम रिकॉर्ड्स को अपडेट रखता है, और पीरियोडिक एक पीरियड के एंड पर रिकॉर्ड को जाकर अपडेट करता है। अब जो डेली बेसिस पर या कह लें कि एनी टाइम रिकॉर्ड्स को जो अपडेट रख रहा था परपीचुअल, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ये देखते हैं कि पीरियड के एंड पर जाकर किस तरह से अपडेट किया जाएगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना, ताकि आपको बिल्कुल वाजे तौर पे फ़र्क महसूस हो कि पीरियोडिक और परपीचुअल में क्या फ़र्क है। सेम क्वेश्चन में रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसके रिक्वायरमेंट में सबसे पहले पूछा जाएगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जब पीरियड एंड हुआ, लेट से एक महीने का पीरियड है और वो एंड हो गया, तो उसके एंड होने के बाद आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, उसको आप एंडिंग इन्वेंट्री कहेंगे। जो बच गया, जो अनसोल्ड है, नहीं बिक पाया, और नेक्स्ट मंथ अब आपके पहले से वो आपके पास मौजूद होगा, ठीक है, तो वो एंडिंग इन्वेंट्री आपने निकालनी है। लेकिन अब लिखा हुआ है पीरियोडिक सिस्टम, आपने पीरियोडिक के ज़रिए अब इसको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है। और इसमें जो मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वो फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। इसमें भी तीन मेथड होते हैं, लेकिन इसमें हम वन गो के अंदर ही तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं उन गुड्स की कॉस्ट को जिसको आप सेल आउट कर चुके हैं। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको पता है प्रॉफिट निकालना होता है, तो ये आपको बताएगा कि कितना आपने इस एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट किया, और फिर इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे, पीरियोडिक का स्टार्ट होता है टेबल शोइंग कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स। हमने एक ऐसा टेबल बनाना है जिस टेबल के अंदर हम शो करेंगे कि हमारे पास टोटल गुड्स कितनी अवेलेबल थी पूरे महीने में। अच्छा, इसका जब हम कार्ड बनाते हैं तो डेट है हमारे पास, सबसे पहला कॉलम डेट का है, फिर पार्टिकुलर्स का आ गया, डिटेल्स, यूनिट्स, क्वांटिटी बतानी है, रेट लिखना है और टोटल कॉस्ट बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट फैब आपने लिखी डेट, और इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री फर्स्ट डेट को आपके पास मौजूद है। यूनिट्स में आपने दिखाने की ये 200 यूनिट्स है, एक का रेट 10 है, और टोटल कॉस्ट बनती है 2000, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से आपने रिपोर्ट करना है, टोटल कॉस्ट आपको मल्टीप्लाई कराकर ही खुद से कैलकुलेट करनी होगी। और सेकंड फिर हम इसमें फैब की फिफ्थ लिखेंगे, और इसमें हमने क्या किया था, परचेस्ड, कितने यूनिट्स परचेज किए थे, 300, तो आपने यहाँ 300 मेंशन कर दिया। इसका रेट था 20, और टोटल कॉस्ट बन रही थी 6000, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इस परचेज के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी सोल्ड है, यानी हमने गुड्स को बेचा है, लेकिन अवेलेबल का जब आप टेबल बना रहे हो तो इसके अंदर सेल को बिल्कुल इग्नोर करना है। यानी हम यहाँ ये नहीं दिखा रहे कि हमारे पास से बिक क्या चुका है, हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास पूरे महीने में टोटल गुड्स थी कितनी, जिसमें हमारे पास पहले का बचा हुआ सामान था इन्वेंट्री पिछले महीने का आया हुआ, और जो नया हमने इस महीने फ्रेश परचेज किया, वो बस सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट करना है, सेल यहाँ नहीं दिखानी। तो अब हम नेक्स्ट, इस सेल को इग्नोर करके नेक्स्ट परचेज पर चले जाते हैं, जो कि फैब की 15 को हमने अगेन परचेज किया है, और अब हमने इसमें 500 यूनिट्स आप यहां देख सकते हैं परचेज किए, और इसका रेट है 30, और ये टोटल कॉस्ट बनती है 15000। अगेन इसके बाद एक सेल्स की एक्टिविटी है, लेकिन सेल हमने यहाँ पर इग्नोर करनी है। तो जितनी भी परचेजेस हों, अभी तो 2 times है, ये 3 times हो सकती हैं, 4 times हो सकती हैं, तो जितनी भी बिगिनिंग और परचेजेस हैं वो सब आपने इस टेबल के अंदर शो करनी है, और अब आपने इसका टोटल करना है। तो टोटल अगर हम करें तो हमारे पास टोटल यूनिट्स बनते हैं 1000,
बिगिनिंग प्लस परचेजेस करके टोटल क्वांटिटी हमारे पास 1000 की आ रही है, इसका टोटल किया है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास 23000 आ रही है। इसको कैलकुलेट कर लिया तो 23000 की कॉस्ट है, यानी टोटल यूनिट्स हमारे पास 1000 हैं और उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 23000 की है। ये हैं कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स, कि पूरे महीने में हमारे पास 23000 की गुड्स जो हैं वो अवेलेबल थी, और अगर मैं क्वांटिटी में बात करूं तो 1000 यूनिट्स अवेलेबल थे। अब इसका होता क्या है, इसके दो ही बातें, इसमें से कुछ यूनिट हम सेल कर देते हैं, बिक जाते हैं, कस्टमर ले जाता है, और कुछ हमारे पास बचे हुए रह जाते हैं, अनसोल्ड होते हैं, नहीं बिक पाते, जिसको हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। तो अगर आप देखिए, मैं इसमें से अब लेस करवा रहा हूँ यहाँ पर यूनिट्स सोल्ड, जो यूनिट्स सोल्ड कर दिए हैं, बेच दिए हैं, उसको यहाँ से लेस करवाना है। अब आप यहाँ देखें कि हमने 2 times यूनिट्स को सोल्ड किया है, एक बार ये 400 सेल हुए, फिर एक बार ये 400 सेल हुए, तो आपने 400 प्लस 400 यानी टोटल 800 यूनिट्स को आपने सेल कर दिया। अवेलेबल थे 1000 और 800 हम कस्टमर को सेल कर चुके हैं, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट लाके लेस करवा दूं तो आपके पास 200 यूनिट्स वो हैं जिसको आप कहेंगे यूनिट्स ऑन हैंड। यूनिट्स ऑन हैंड का मतलब ये वो यूनिट्स हैं जो आपके पास महीने के एंड पर बच गए हैं, जिसको आप नहीं बेच पाए इस साल, और अब आपके पास ये यूनिट्स इस महीने ये नहीं बेच पाए और ये यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1000 है ना, ये हैं कौन से यूनिट्स जो टोटल अवेलेबल थे, और इस टोटल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 23000। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ, 1000 यूनिट्स हैं और इसकी टोटल कॉस्ट है 23। इस 1000 के दो हिस्से बनेंगे, और 1000 के जो दो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें से 800 यूनिट्स वो हैं जो सेल हो गए, और 200 यूनिट्स वो हैं जो ऑन हैंड रह गए, ये सोल्ड हो गए हैं और ये अनसोल्ड हैं, ठीक है। 1000 का ये ब्रेकअप है, तो अगर 1000 की मुकम्मल कॉस्ट 23 है तो फिर इस कॉस्ट के भी दो पोर्शंस बन जाएंगे, ठीक है। एक कौन सा कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिक गए उनकी कॉस्ट, और दूसरा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो बच गए उनकी कॉस्ट। ये 800 यूनिट्स जो बिक गए हैं, इसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी, और जो 200 यूनिट्स अनसोल्ड हैं बच गए हैं, इसकी कॉस्ट जो निकालेंगे उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस 1000 के दो हिस्से बने हैं, तो इसी तरह इस 23 के भी दो हिस्से बनेंगे, एक को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक को एंडिंग इन्वेंट्री कहेंगे। अगर बेटा आपने ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 1000 थे और हमें पता लगा 800 बिक गए, तो 1000 में से 800 को माइनस किया तो 200 आपके पास बच गए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 23 में से मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास जो सामान बचा है उसकी कॉस्ट है 3000, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर ये 20000 की होगी, क्योंकि 23 अगर टोटल है और 3 आपके पास एंडिंग है, तो 23 में से 3 माइनस कराएं तो आपके पास क्या आ जाएगी, 20000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो अब आपका काम, इसका मतलब ये है कि पहले आप एंडिंग इन्वेंट्री निकालें, ये निकालें, और जब ये आ जाएगी तो फिर टोटल में से ये माइनस कराकर आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारा सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो 200 यूनिट्स हमारे पास बच गए थे, नहीं बिक पाए थे, इसकी कॉस्ट कितनी है, जिसे आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कहेंगे, ठीक। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसकी हेडिंग कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, अंडर फीफो पीरियोडिक।
इसमें जो कॉलम्स हैं, एक आपके पास डेट, एक यूनिट्स, एक रेट और एक टोटल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये जो 200 यूनिट्स हैं जो बच गए हैं, जिसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना इस वक्त हमारा टास्क है, हमें इस 200 की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ये जो 1000 थे ये किस तरह आ रहे हैं, 200 पहले के हैं, 300 उसके बाद हमने ख़रीदे, फिर हमने 500 सबसे लास्ट में ख़रीदे, टोटल ये 1000 बन गए। और इस 1000 का ब्रेकअप क्या निकला कि 800 सेल हुआ, 200 आपके पास बच गए। इसका मतलब ये है कि जो 800 बिक गए वो भी इनमें से ही कोई यूनिट्स हैं, और जो 200 बच गए हैं वो भी इन्हीं में से कोई ना कोई यूनिट है। अब आपको ये बताना है कि जो 200 बच गए हैं वो इनमें से कौन से वाले यूनिट्स हैं, यानी ये 200 जो बचे हैं ये वाले 200 हैं, या इस 300 में से 200 बचे हैं, या 500 में से 200 बचे हैं। तो इसके लिए आपको मेथड का सहारा लेना होगा। मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो पहले आएगा पहले वो सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। यानी ये वाले 200 यूनिट्स हम सबसे पहले बेचेंगे, जब ये बिककर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम ये वाली परचेज में से बेचना शुरू करेंगे, जब ये भी बिक जाएंगे तो फिर हम इस वाली परचेज को सबसे लास्ट में बेचना शुरू करेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए कि हम सारे नहीं सेल कर पाए, 200 बच गए। तो अगर आप ऊपर से सेल करना शुरू कर रहे हैं तो जो 200 बच गए वो डेफिनेटली इस वाले 500 में से बचे होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये बिक गए होंगे, फिर ये 300 बिक गए होंगे, और इसमें से 200 बच गए होंगे, और हमें डायरेक्ट बचे हुए यूनिट्स पर जाना है। तो हम इस डेट को लिखेंगे कि फैब की 15 में जो 200 यूनिट्स हैं तो 500, लेकिन बचे सिर्फ इसमें से कितने, 200 बचे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसका रेट कितना है, 30, तो आपने यहाँ 30 लिया और कॉस्ट आ गई इसकी 6000। ठीक है, तो आपने एंडिंग इन्वेंट्री बचे हुए 200 यूनिट की कॉस्ट को फीफो मेथड से निकाल लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फीफो मेथड तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और मैं लास्ट में से ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेथड जो है वो आउट होने वाले यूनिट यानी बिक जाने वाले यूनिट्स के लिए बनाया गया है, जबकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो नहीं बिक पाए, जो बिकने के बाद बच गए हैं उसको निकाल रहे हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये 800 यूनिट्स हम बेच चुके हैं, तो 800 कैसे बिके, फीफो मेथड में सबसे पहले ये वाले 200 बिक गए, ये वाले, उसके बाद फिर ये वाले 300 भी बिक गए, अब तक आप देखें 500 हो गए, फिर इस 500 में से मज़ीद 300 बिक गए। तो अगर आप अब तक टोटल कर लें तो ये 800 बिक चुके हैं, तो इसी 500 में से बाकी के 200 आपके पास बच गए। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट बचे हुए यूनिट्स को ही कैलकुलेट करना था, लिहाजा मैंने इस 500 में से ले लिया। अब हम इसको चूँकि एक ही है अमाउंट और इसको जस्ट हम टोटल कर लेंगे, तो 200 यूनिट्स हैं और कॉस्ट है इसकी 6000। ठीक है, ये एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया है, कौन से मेथड से, फीफो मेथड से। अब ये प्रोसेस रिपीट करें, लेकिन अब मेथड चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर लीफो पीरियोडिक। ठीक है, कॉलम्स की हेडिंग सेम है, डेट, यूनिट्स, रेट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आप देखिए कि मुझे अगेन इस 200 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए जो बच गए हैं, मैं दोबारा उन्हीं की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन अब मेथड को चेंज करके लीफो कर दिया। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया था अब पहले उसको सेल करना है। तो अगर आप देखिए, सीक्वेंस आने की ये थी कि पहले ये 200 आए, फिर 300 आए, सबसे लास्ट में 500 आए, तो सबसे आखिर में जो आया पहले उसको बेचना है। तो अगर ये बिक जाएंगे फिर इसको बेचेंगे, फिर सबसे लास्ट में इसकी बारी आएगी, तो हम 200 तो नहीं बेच पाए। इसका मतलब ये है कि 200 कौन से वाले बचे हैं, जो सबसे ऊपर हैं। ये इत्तेफाक से है भी टोटल 200 ही, और हमारे पास बचे हुए यूनिट्स भी कितने हैं, 200। तो हम ये वाले 200 पूरे यूनिट्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब आप देखिए कि फैब की
वन को हमारे पास जो 200 यूनिट्स हैं जिसका रेट 10 है और टोटल कॉस्ट 2000 बनती है, ये बच गए। अच्छा, मैं यहाँ साथ साथ एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। फर्ज कर लीजिए कि ये जो बचे हुए यूनिट्स हैं ये 300 होते, तो आपके पास ये वाले 200 तो पूरे बच जाते, लेकिन 100 मजीद भी आपको बचाने होते, तो इस 200 के बाद बाकी 100 आप इसमें से लेते, क्योंकि टोटल टारगेट फिर 300 को पूरा करना होता, लेकिन यहाँ है ही 200, तो उसके बाद 120 के रेट वाले भी आप यहाँ पर लिखते, ठीक है, और फिर टोटल कर लेते उसका। लेकिन फ़िलहाल 200 हमारे पास बचे हैं और ये पूरे 200 आपके पास बिगिनिंग में मौजूद हैं, तो हमने सिर्फ 200 को ही बचाना था। तो 2000 कॉस्ट आ गई और 200 यूनिट्स हैं। ये आपके पास लीफो मेथड से जो है वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो गई। और अब हम आते हैं इसके लास्ट मेथड पे, जो कि है वेटेड एवरेज। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर वेटेड एवरेज पीरियोडिक, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस मेथड से सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का, और वो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑन हैंड, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को डायरेक्ट कैलकुलेट करने का, इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। अब टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर लिखी है, ये है टोटल कॉस्ट अवेलेबल गुड्स की, जो अवेलेबल का टेबल बनाया था, और इससे जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 23 थी। तो 23,000 की कॉस्ट है और टोटल यूनिट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कितने, 1000। ये 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई कराना है यूनिट्स ऑन हैंड से जो बच गए, तो यूनिट्स ऑन हैंड हमारे पास कितने हैं, 200। तो हमने यहाँ 200 से इसको मल्टीप्लाई किया। अगर 23,000 कॉस्ट है 1000 यूनिट्स की, तो डिवाइड कराएंगे तो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ रही है 23। ये एवरेज कॉस्ट हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 200 यूनिट से। आप गौर करें कि फीफो और लीफो मेथड जो होता है, हम उसमें एक्चुअल रेट्स को ही यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं। फीफो ऊपर से और लीफो नीचे से होता है, लेकिन जब हम एवरेज मेथड पर आते हैं तो एवरेज एक्चुअल रेट्स को इग्नोर कर देता है, बल्कि वो एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेता है। आप देखें एवरेज रेट आ रहे 23, अब ये 10 रुपीज़ का रेट भी इग्नोर हो गया, 20 भी इग्नोर हो गया, 30 भी इग्नोर हो गया, एक सिंगल रेट बन गया 23। पूरे 1000 यूनिट्स का रेट है 23। अब इस 1000 में से जितने चाहे सेल कर दें या जितने चाहे आपके पास बच जाएं, उसका एक का रेट 23 ही रहेगा, और ऐसे हमारे पास बचे कितने यूनिट्स हैं, 200। तो अगर हम 200 यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है 4600। इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री एवरेज मेथड से कैलकुलेट करने पर आ रही है 4600। तो अब आप देखें, मैंने तीनों मेथड से 200 यूनिट्स जो बचे उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। फीफो मेथड से इन 200 की कॉस्ट आ रही है 6000, लीफो मेथड से इसी 200 की कॉस्ट आ रही है 2000, और एवरेज से इसी 200 की कॉस्ट आ रही है 4600। अब एक क्वेश्चन जहन में ये आता है कि जब एक ही डाटा है, सेम डाटा से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और एक ही यूनिट्स बच रहे हैं, एक ही यूनिट बिक रहे हैं, जब सब कुछ सेम है तो फिर आंसर्स क्यों अलग अलग आ रहे हैं। इसकी बड़ी आसान सी लॉजिक है, आप गौर करें फीफो मेथड में, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन पहले कर लें, सबसे ज़्यादा आंसर इस 200 का आया फीफो मेथड से 6000, सबसे कम आंसर आया लीफो से 2000, और एवरेज से दरमियान में आंसर आ रहा है 4600। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों ये ज़्यादा कम आ रहा है और हमेशा ऐसे ही होगा। देखिए, पहले तो एक अजम्पशन रखनी है कि इन्फ्लेशन का दौर है। इन्फ्लेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले चीज़ 10 रुपये पर आई, फिर वही चीज़ 20 रुपये की, फिर 30 रुपये की हो गई, तो इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो, चीज़ें महंगी पर महंगी होती चली जा रही हों आने वाले वक्त में,
तो फिर क्या होता है कि जो फीफो मेथड है वो सबसे ज़्यादा आंसर इसलिए देता है कि फीफो में जो सबसे पहले यूनिट आया था वो बिक जाता है और जो सबसे लास्ट में आया होता है वो बचता है। तो सबसे पहले तो सस्ता यूनिट था वो बिक गया और जो महंगा वाला था वो बच गया। तो 200 तो महंगे वाले यूनिट बचे हैं तो वैल्यू भी ज़्यादा बना रहे हैं 200। लीफो मेथड में इन्वर्स काम हुआ, लीफो मेथड में लास्ट वाला पहले बिक गया और शुरू वाला बच गया। तो आप गौर करें, लास्ट वाला सबसे महंगा था वो बिक गया और जो 200 बचे हैं सबसे पहले वो तो सबसे सस्ते यूनिट थे जो बच गए, तो आपके पास आंसर भी सबसे कम आ रहा है। और थर्ड वन एवरेज है, तो एवरेज गौर करें ना सबसे सस्ता है ना सबसे महंगा है, बल्कि उसने एक एवरेज रेट बीच का निकाला है 23, और उससे आंसर भी डेफिनेटली बीच का ही आएगा। 6000 सबसे हाईएस्ट है, 2000 लोएस्ट है और एवरेज इन दोनों के दरमियान में रहेगा। तो ये लॉजिक है इसके आंसर्स की, वेरिफिकेशन भी ऐसे हो रही है। फीफो में हमेशा सबसे ज़्यादा आना चाहिए, लीफो में कम और एवरेज में दरमियान का, लेकिन शर्त क्या है कि इन्फ्लेशन होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ें मुसलसल महंगी होनी चाहिए, एग्री। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, अब हम इसको कैलकुलेट अगर करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने यहां एक तो लिखा फॉर द मंथ एंडेड फेब 28। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप फेब 28 को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मंथ के एंड होने के बाद। अब आपने यहां मेथड लिखा कि आप फीफो से निकाल रहे हैं, लीफो से निकाल रहे हैं और वेटेड एवरेज, तीनों मेथड आपने यहां एक साथ ही कैलकुलेट करने। और सबसे पहले आपने इसमें यूज करना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग को, फिर ऐड करवाना है इसमें नेट परचेजेस को, ये ऐड करके बनेंगे अवेलेबल गुड्स, और फिर आप इसमें से लेस करवाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को। तो लेस करवाने के बाद आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, मैंने आपके सामने ये पूरा इसका एक परफॉर्मा लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले आपने लेनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब वो सामान जो साल के महीने के पहले दिन आपके पास मौजूद था। नेट परचेजेस वो गुड्स हैं जो आपने इस मंथ में फ्रेश परचेज की हैं, न्यू खरीदी हैं, इन दोनों को आपने प्लस करना है तो आपके पास अवेलेबल गुड्स आ जाएंगी कि टोटल गुड्स आपके पास कितनी अवेलेबल हैं, और इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो आखिर में बच गई उसकी कॉस्ट को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फिक्स पैटर्न है, लेकिन आपने इसको फीफो से भी करना है, लीफो से भी करना है और एवरेज से भी। अब आप देखिए, सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट फेब को इन्वेंट्री आपके पास कितने अमाउंट की थी, 2000 की। तो ये आपने 2000 दिखा दिया। अच्छा, मेथड कोई भी हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री 2000 ही है, मेथड का बिगिनिंग पे कोई फर्क नहीं है। फिर परचेजेस की बात करें तो परचेजेस आप देख सकते हैं 2 times हमने परचेजेस की थी, ये 3 times हो या 4 times हो, सारी परचेजेस को एक साथ आप एडअप कर लीजिए तो 6000 और 15000 मिलाएं तो ये आपकी टोटल परचेज बनती है 21000। फिलहाल ये 2 purchases हैं, लेकिन 3, 4, 5 जितनी भी परचेजेस हो सबका टोटल, यानी बिगनिंग को बस अलग कर देना है, बाकी सारी परचेजेस का टोटल अलग कर देना है। तो ये परचेजेस आ गई, तो बिगनिंग और परचेजेस मिलाएं तो टोटल बनती है 23000। अब आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल गुड्स के टेबल से भी मैच कर रहा है। अब तक अगर आप गौर करें कि 3 methods चल रहे हैं, लेकिन अब तक तीनों का कोई फर्क नहीं आ रहा, बिगनिंग परचेजेस सब में सेम रहती है, अवेलेबल गुड्स सब में सेम रहती है। फर्क कहाँ से आता है, एंडिंग इन्वेंट्री से, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री हमने फीफो से जब कैलकुलेट की तो वो 6000 की थी,
लीफो से थी 2000 और एवरेज से थी 4600। तो अब हम लेस करवाएंगे इसमें से 6000 जो कि फीफो से निकाली गई एंडिंग इन्वेंट्री है, एवरेज से लेस करवाएंगे 2000, लीफो से करवाएंगे 2000 और एवरेज का अमाउंट है 4600, ये हम यहाँ से लेस करवाएंगे। ठीक है, तीनों रिजल्ट्स आप पहले निकाल चुके हैं और अब वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। तो 23 टोटल है, 6 अगर हम इसमें से लेस करवा दें तो 17000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी हमारे पास, कौन से मेथड से, फीफो से। 23 में से 2 आप माइनस कर दें, 21000 की कॉस्ट बनी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो मेथड से, और एवरेज में आप जब लेस करवाएंगे तो ये आपके पास आ रहा है आंसर 18400। तो ये तीनों मेथड से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री के आंसर्स अलग अलग होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आंसर्स भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें हमें ये बताना है कि इस बिज़नेस को चलाने पर ये जो हमने परचेज सेल की है इन एक्टिविटीज़ पर हमें इस महीने कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अगेन बात ग्रॉस प्रॉफिट तक ही जाएगी, उससे आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, हम मुकम्मल इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवा के ग्रॉस प्रॉफिट तक बताना है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे इसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और ये भी आपने बनानी है फॉर द मंथ एंडेड फेब 28। ठीक है, और ये भी आपने फीफो मेथड से बनानी है, लीफो से बनानी है और वेटेड एवरेज से करने। अच्छा, कंपैरेटिव का मतलब यही है कि हम कंपेयर कर सकें तीनों मेथड से बनाकर एक साथ कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट में लेते हैं सेल्स, और सेल्स में से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप गौर कीजिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम तीनों से निकाल चुके हैं, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 है, इससे 21 है, इससे 18400 है, और सेल्स जो हमें कैलकुलेट करनी है यानी कस्टमर प्राइस के, हमने इसको कस्टमर को कितने पर सेल किया, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फैब की 10 को हमने 400 यूनिट सेल किए थे, इसका रेट 50 था। 25th को हमने अगेन 400 सेल किए, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमने सेल किया 60 रुपीज़ का। तो इसके लिए एक टेबल बनती है जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाई भी थी परपीचुअल में, वही टेबल यहाँ पर भी आपने बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ टेबल ऑफ सेल्स। फैब की 10 को सेल हुई है और फैब की 25th को, 400 यूनिट्स हैं, फिफ्टी रुपीज़ में सेल किया फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम आपने इसको 60 में सेल किया। तो 400 को 50 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनते हैं 20,000, 400 को 60 से कराएं तो ये बनते हैं 24, तो टोटल ऐड कर लें तो ये हो गए 44,000। ये सेल्स का वो टेबल है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ही बनाना सीखा था, तो अभी मैंने डायरेक्ट रफली बना दिया, तो आपके पास सेल्स का आंसर आ रहा है 44,000। अब आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो तीनों मेथड में सेम रहेगी, सेल्स का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो तीनों मेथड में अलग अलग अमाउंट आया है। तो यहाँ फीफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 है तो आपने 17 लेस करने हैं, लीफो में 21 है तो आपने 21 को लेस करवाना है, एवरेज में 18,400 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो आपने यही लेस कराना है।
ठीक है। अब आपके पास 44 में से 17,000 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 27,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 44 में से 21 लेस करा दें तो 23,000 ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट लीफो में आ गया। और अगर आप 44 में से 18,400 को लेस करा दें तो आपके पास 25,600 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट तीनों से आ गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, तीनों मेथड में फ़र्क क्या है। एंडिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो एंडिंग इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा फीफो में, सबसे कम लीफो में और एवरेज में दरमियान की रहेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वर्स बात होती है, फीफो में सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लीफो में सबसे ज़्यादा है और एवरेज में दरमियान की रहेगी। ग्रॉस प्रॉफिट एंडिंग इन्वेंट्री की तरह है, सबसे ज़्यादा फीफो, सबसे कम लीफो और एवरेज में दरमियान का रहेगा। लेकिन कंडीशन वही है कि इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें एक्सपेंसिव होती चली जाएं। अगर डिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन समझते हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएं, 30 सबसे ऊपर चला जाए, जब नया ख़रीदें और सस्ता मिले और नया ख़रीदें और सस्ता मिले, मुसलसल प्राइजेस अगर नीचे आनी शुरू हो जाएं तो फिर ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह भी फीफो सबसे ज़्यादा एंडिंग इन्वेंट्री दे रहा है तो सबसे कम पे आ जाएगा, लीफो सबसे कम दे रहा है तो सबसे ज़्यादा पे चला जाएगा। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेशन का ही दौर होता है, तो इन्फ्लेशन ही आपको क्वेश्चन में नॉर्मली नज़र आएगा। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट रिक्वायरमेंट बची, पास एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ अगर आप देखिए तो मैंने आपको एंट्रीज़ पास करना सिखाई थी परपेचुअल सिस्टम में, तो अब वही एंट्रीज़ हम सीखेंगे पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। तो एंट्रीज़ मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। आपने जर्नल जर्नल बनाना है, ठीक है, और जर्नल जर्नल में फर्स्ट फैब 200 यूनिट्स हैं, 10 का एक है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक्टिविटी परचेज और सेल से शुरू होती है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। फिफ्थ फैब को आपने परचेज़ किया तो आप परचेज़ की एंट्री इसमें है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये एक फ़र्क है पीरियोडिक और परपेचुअल का। परपेचुअल में अगर आप याद कीजिए, जो लास्ट लेक्चर्स मैंने दिया था आप वो देख भी सकते हैं, उसमें मैंने जब परचेजेस की थी, गुड्स को ख़रीदा था तो उसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड किया था, एज एन एसेट्स, क्या एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब गुड्स खरीदी जाती हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं, तो उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस, जो कि खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो आपने परचेजेस का जो अमाउंट है वो यहाँ टेबल से देख सकते हैं कि 300 यूनिट्स 20 के रेट पे ख़रीदे थे जो कि 6,000 के बनते हैं, तो वो आपने यहाँ पर 6,000 रिकॉर्ड कर लिया। ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद फिर हम फैब की 10 को अगर देखें तो हमने यूनिट्स को सेल किया है, तो कितने यूनिट सेल किए, 400 हैं, 50 रुपीज़ का कस्टमर को एक सेल किया, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अगर आप देखिए सेल्स 400 यूनिट है, 50 का एक है, टेबल में हम दिखा चुके हैं कि ये 20,000 की सेल हुई है, तो आपने 20,000 लिख दिया। अगर आप परपेचुअल का लेक्चर जाकर देखिए दोबारा से, तो उसमें हमने एक और चेंज किया था कि सेल की दो एंट्रीज पास की थी। एक तो एंट्री यही थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट भी 20 का था जो कस्टमर को सेल किया गया, लेकिन इसके फौरन बाद हमने एक एंट्री और भी पास की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, असल कॉस्ट से जो गुड्स बिक गई हैं, लेकिन वो हम पीरियोडिक में रिकॉर्ड नहीं करते। वजह सिस्टम है कि परपेचुअल कहता है जैसे ही सामान बिके फौरन अपना रिकॉर्ड्स अपडेट करें कि कितनी आपकी गुड्स बिक चुकी हैं, और पीरियोडिक ये कहता है अभी बेच दिया है लेकिन रिकॉर्ड्स को अपडेट अभी नहीं करेंगे, जब पीरियड एंड होगा तो उस दिन एक साथ अपडेट करेंगे। तो ये सिर्फ सेल्स की एक ही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, फैब की 15, तो फैब 15 को अगर हम देखें तो हमने अगेन परचेज किया है, तो फिर परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट।
अब हमने देखा कि परचेज जो है वो सेकेंड टाइम जो परचेज की थी उसका अमाउंट है 15,000, तो आपने यहाँ पर 15 दिखा दिया। फिर उसके बाद फैब की 25th, इसमें आपने फिर सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और सेल्स का अमाउंट यहाँ 25th की सेल देख सकते हैं, 24,000 में सेल की गई थी, तो ये चारों एंट्रीज पास हो गई। अगेन वही बात, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली एंट्री दूसरी पास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल की ही एंट्री रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो ये चारों मैंने एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग दिखा दी कि पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह रिकॉर्ड होती है, और इसको परपेचुअल में करना भी हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अब जो है ये हमारे पास लेक्चर मुकम्मल हुआ है, यानी पीरियोडिक और परपेचुअल मुकम्मल इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो आपको मैंने इन लेक्चर्स के थ्रू समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, अपने पास्ट पेपर्स देखिए, अपनी बुक्स देखिए, और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको जो उसका व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा उसके अंदर इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और वो आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो। ख़ुद भी आप अपनी जो है वो एफर्ट से मुख्तलिफ जगहों से क्वेश्चंस इसके पिक कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कमांड पर आएगा। मैंने बेसिक सारी क्लियर कर दी हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स जो होंगी फिर इंशाल्लाह हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।